हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मीथेन मोर पोटेंट लेस परसिस्टेंट। तो ये पहले भी मैंने इसके ऊपर मीथेन के ऊपर आर्टिकल बनाया है, CH4 है आपका, कि मीथेन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोटेंट गैस है, ज़्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। पहला पॉइंट, इट्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, CH4, जैसे मैंने बताया। इट्स इन द न्यूज़ ऑफ लेट बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर ऑफ पोटेंट क्लाइमेट पोल्यूटेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पोटेंट क्लाइमेट पोल्यूटेड। वाइल्ड क्लाइमेट टॉक्स हैव बाय एंड लार्ज फोकस्ड ऑन कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, देर इज इंक्रीजिंग एक्नॉलेजमेंट अमंग द वर्ल्ड लीडर्स एज वेल एज फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ मिथेन इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट द ऑन गोइंग COP28 क्लाइमेट टॉक्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, UAE, फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वेल रेनाउंड फिलेंथ्रोपिस्ट बॉडी इंक्लूडिंग दी स्यूकिया क्लाइमेट फाउंडेशन एंड दी बेजोस अर्थ फंड अनाउंस दैट दे वुड कलेक्टिवली इन्वेस्ट $450 मिलियन इन अ सोल्यूशन टू टैकल मिथेन एमिशन। तो इतना पैसा मिथेन एमिशन को क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्या खराब है मिथेन में, ये थोड़ा याद रख सकते हैं। स्यूकिया क्लाइमेट फाउंडेशन और बेजोस अर्थ फंड। मिथेन हैज़ अ ग्रेट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP मिथेन का बढ़िया अच्छा खासा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, द GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ वार्मिंग कॉज्ड बाय अ सब्सटेंस रिलेटिव टू दैट ड्यू टू सेम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 मेजर इज ओवर अ सेंचुरी ऑफ एट अ टाइम। इफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ GWP 100 ऑफ वन, मिथेन इज 28, नाइट्रस ऑक्साइड इज 265 एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज 23,500। हाउएवर, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट फॉर सेवरल डेकेड्स एट अ टाइम इन द एटमोसफियर बिफोर ब्रेकिंग डाउन, मिथेन ब्रेक्स डाउन इन अ मैटर ऑफ ईयर्स। दैट इज, इट इज शॉर्ट लिव्ड है क्लाइमेट पोल्यूटेंट। इट्स सोर्सेस इंक्लूड कैटल फार्मिंग, लैंडफील्स, और क्या है, लैंडफील्स है, कैटल फार्मिंग्स है। इधर को आपको बताऊँ, ये चीज़ आया नहीं इस कटआउट में। अरे नहीं, यही तो है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, राइस कल्टीवेशन एंड सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहले मीथेन, CH4। तो मीथेन की चलो कैपेबिलिटीज लिख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्या है मीथेन जो है आपका, क्या है ऐसा मीथेन में? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और पोटेंशियल क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, ठीक है। और उसके बाद से इफेक्ट ऑफ इसका, GWP 100 जो है ग्रेटर देन CO2 है, ठीक है। और उसके बाद से ये इसको क्या बनाता है, इसीलिए इसको एक शॉर्ट लिव्ड है पहली बात। तो फिर ये भी लिख लो, जब सारी चीज़ें लिख रहे हैं, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर ब्रेकिंग एट अ टाइम, कैटल फार्मिंग, लैंडफील, कैटल फार्मिंग, लैंडफिल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यहाँ से ये आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब लिखो एक GWP, ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपका। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है ये किसका होता है, CO2, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और देखिए कौन कौन है यहाँ पे लिस्ट में, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का क्या फॉर्मूला है देखो, तो
सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ठीक है, हाँ यही है, ऑब्वियसली हेक्साफ्लोराइड SF6। तो इसका अगर हम लोग देखें GW100, GWP100 अगर हम लोग मेजर करते हैं इन सब का, तो CO2 का आप देखिए 1 है, मीथेन का 28 है, इसका 265 है, इसका 23K है। तो ये हार्मनेस जो है हार्मफुल, तो इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो और ये शॉर्ट लिव्ड है, इसीलिए इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि कुछ सालों में ख़त्म हो जाता है, पर CO2 आपका ईयर्स तक और डेकेड्स तक रहता है। चलिए ये बात हो गई, पर GWP है क्या? तो ये आपका GWP है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये है क्या? इज अ मेजर ऑफ वार्मिंग कॉज्ड बाय सब्सटेंस रिलेटिव टू डेट ड्यू टू सेम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द GWP 100 मेजर्स इट्स ओवर अ सेंचुरी एट अ टाइम। तो ये जो है मेजर किया जाता है, पहली बात तो 100 ईयर्स पे मेजर होता है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू CO2 क्या एमिशन रेट है, ये उसका कंपैरिजन है विथ रिस्पेक्ट टू CO2। तो ये आपको बताता है CO2 के रिस्पेक्ट में सामने वाले गैसेस कैसे हैं। 100 ईयर्स मतलब सेंचुरी। तो इस आर्टिकल में इतनी चीज़ें जानने के लिए थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये इसके जितने ये सारे कैसे होता है ओरिजिन ऑफ मिथेन। तो इतना ही था, ऑर्गेनिक कंपाउंड CNH आर फाउंड पोल्यूटेंट, बस इतना ही था। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।